गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक्चुअली रेडी हुई हूँ आपको होम टूर करवाने के लिए। सो आज आपको मैं अपना घर दिखाने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से पहले यहाँ पर मेरे पापा जी का नाम है बद्रीनाथ, हम चौवन से हैं। सो चलिए इधर हमारे बाथरूम वगैरह हैं। उसके बाद खूब सारे पेड़ पौधे लगाए हैं अच्छे अच्छे। एंड ये है हमारा मेन गेट, इससे हम हमारे घर के अंदर घुस। यहाँ पर हमने ये डिजाइन गणेश जी वाली डिजाइन करवाई है हमारे दरवाजों पर। उसके बाद हम आगे आते हैं तो हमारा ये है हमारा यहाँ पर चौक। यहाँ पर सोफे वगैरह लगाए हुए हैं जहाँ पर हम बैठ के आराम से, इधर है हमारा टीवी तो हम आराम से टीवी देखते हैं यहाँ पर पूरी फैमिली के साथ। एंड उसके बाद में आता है, चलिए हमारे घर को हमने उतना ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया हुआ है बट फिर भी हम अच्छा रखते हैं। ये हमारा गेस्ट रूम, गेस्ट रूम के साथ है ये मम्मी पापा का भी रूम है। यहाँ पर सोफे हैं, ये है हमारा बेड, इधर दो खिड़कियाँ लगाई हुई है। एंड यहाँ पर है छोटी, हमने थोड़ी सी डेकोरेशन कर रखी है यहाँ पर। ये वाले फूल मैंने अपने हाथों से बनाए जो कि टूट चुके हैं, इनको अगर मोदी की सफाई करेंगे तो हम चेंज करवा देंगे उसके बाद में। एंड ये उसके बाद में आगे चलते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पर मम्मी कर रही है सिलाई, मेरी पोशाक अभी तक मम्मी से तैयार भी नहीं हुई है। ये एक और चौक है हमारा। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ क्या क्या रखा हुआ है। सबसे पहले मैं थोड़े पास में आ जाएंगे हमारा कैमरा में। ये मेरी 8th क्लास की फ़ोटो है, मतलब हमें विदाई दी थी उस टाइम की फ़ोटो है मेरी 8th क्लास की। ये हमारे स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह सब। एंड ये है यहाँ पर भाई की, जो हॉस्टल में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आया था, उसको एक मोबाइल मिला था एंड एक ये वाली ट्रॉफी, ये उस टाइम की है। एंड ये है मेरे बचपन की फ़ोटो, ये है मेरे पापा जी एंड साइड में है मेरी बुआ की लड़की जो कि अब बहुत थोड़ी हो गई है इसके। ये मेरे छोटे भाई को ट्रॉफी मिली हुई है किसी बोली 5वीं बोली वर्डी प्रतियोगिता 2020 में की है। एंड ये भी बड़े भाई को मिली हुई है वो ट्रॉफी। उसके बाद में ये मेरी और गीता 12th क्लास में थी एंड मैं 11th में थी तब की है, गीता को विदाई दी थी तब की है। उसके बाद में आगे चलते हैं हम। ये छोटा सा, ये एक्चुअली लाइट भी चली गई आपको दिखाई भी नहीं देगा। ये हमारा छोटा सा रूम है जिसमें मम्मी पापा के कपड़े वगैरह, हमारे कपड़े सब कुछ रखे हुए हैं। एंड ये आता है स्टोर रूम जिसमें हमने बड़े भर के सामान रखा हुआ है। ये हमारा स्टोर रूम, इधर हमारे चप्पल वगैरह है मेरी और गीता की सबकी रखी हुई है। एंड ये यहाँ पर हमारे ये मम्मी की टाइम की अलमारी, पापा आदम के जमाने की अलमारी है। यहाँ पर हमने इसमें तो सब कुछ भर भर के सामान ही रखा हुआ है, पुराना स्टोर रूम है ये, सेफ और सामान ही होगा इसमें तो। उसके बाद में आता है मेरा रूम, मेरा एंड गीता का। गीता तो ऊपर सोती है अभी क्योंकि भाई भी है नहीं दोनों घर पे। तो ये हमारा टीवी, यहाँ पर हम शाम को मैं और गीता दोनों साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं दोनों साथ में, तो हम यहाँ पर टीवी देख लेते हैं। एंड यहाँ पर मैं सोती हूँ। ये मेरा छोटा सा रूम, आपको कमेंट में कैसा लगा बताइए। यहाँ पर मेरी बुक्स रखी हुई है, ये है तो कॉलेज की फाइल वगैरह रखी है, बाकी बुक्स स्टोर रूम में रखी हुई है, मैं खोल के भी नहीं देखती हूँ। ये है मेरी इंग्लिश की किताब है जिसको मैं कभी कभार पढ़ लेती हूँ। एंड ये भी मेरा बनाया हुआ है, एक्चुअली मेरे में एक टैलेंट तो है वैसे कुछ चीज़ें बनाने का। ये आप ऊपर भी देख सकते हैं, ये भी मैंने ही बनाया है ऊपर। उसके बाद में चलते हैं ऊपर छत पे। सो अभी हम चलते हैं ऊपर, यहाँ से हम सनलाइट देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर खिड़की आ गई, उसके बाद हम ऊपर वाले छत के रूम दिखाते हैं। ये है बड़े भाई का रूम जिसका पंखा अभी तक सेट नहीं हुआ हमसे, इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया। एंड ये अलमारी वगैरह, भाभी का सामान है इसके अंदर। ये है हमारा छोटा सा रूम बड़े भाई का। तो चलते हैं हमारे छोटे भाई के रूम की तरफ। हाँ
ये है हमारे छोटे भाई का रूम, इधर से ये बेड एंड ये आना। अच्छी तो लग रही है, मैंने फर्स्ट टाइम एक्चुअली साड़ी पहनी है। मैंने उससे भी पहले रील्स बनाई है एक दो, बट मैंने अभी तक अपनी रियल लाइफ में साड़ी पहनी नहीं। ये है हमारी छत जिसमें मैं वीडियो शूट करती हूँ सारी के सारे, आपने तो देखा ही होगा। ये हमारा खेत, इधर यहाँ से हम ऊपर से आराम से हमारे खेत को देख सकते हैं कि रोज वगैरह तो नहीं आए हुए हैं हमारे खेत में। एक्चुअली अच्छे से हम संभाल सकते हैं हमारे खेत को कि फुहारा वगैरह अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके बाद में यहाँ पर है गिलहरी, इसमें हमने अभी तक पेड़ पौधे नहीं लगाए, सोच रहे हैं लगवा ले बट अभी तक नहीं लगवाए। यहाँ पर तो हमारे मटके वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पर ये था हमारा घर, उसके बाद आपको नीचे और दिखाते हैं। चलिए ये है ऊपर का बाथरूम, छोटा सा बाथरूम वॉशरूम सब है इसमें, एक में ही रखे हैं हमने सब कुछ। उसके बाद हम चलते हैं नीचे, एंड ये है यहाँ पर हम रेडी हो लेते हैं एक्चुअली हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं यहाँ पर। एंड ये है गैरेज, एक्चुअली है हमने बड़ा सारा ऐसे ही बनवा लिया है। यहाँ पर हम कभी अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं, कभी ट्रैक्टर खड़ा कर देते हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे किचन की बारी, किचन दिखाते हैं। ये है हमारा छोटा सा किचन, अंदर का किचन जो भी बोलता है रखते थे। ये हमारा किचन छोटा सा आप देख सकते हैं, दिखाइए कैमरा मैन जल्दी से। ये हमारा इधर सिंक लगा हुआ है, यहाँ पर अगर हम बहुत कम बनाते हैं, यहाँ पर खाना हम बहुत कम बनाते हैं, हम बाहर की किचन में खाना बनाते हैं, यहाँ पर हम चाय बना लेते हैं। एंड अगर बाहर बारिश वगैरह हो जाती है तो हम अंदर खाना बना लेते हैं, बाकी हम बाहर ही खाना बनाते हैं क्योंकि हम चूल्हे की रोटी खाते हैं गाइस। उसके बाद हम चलते हैं बाहर के किचन में जो कि यहाँ पर, ये है हमारा बाहर का किचन जिसका मम्मी ने पता नहीं क्या ही कर रखा है। यहाँ पर एक्चुअली हवा बहुत आती है इसलिए मम्मी ने यहाँ पर कुछ अपना ही जुगाड़ करके कुछ लगा दिया है। इस पर हम पर्दे वगैरह लगवाएंगे उसके बाद में। आगे हम चलते हैं आगे, हम यहाँ हमने एक्चुअली यहाँ पर घर पर सब्जी कर रखी है, घर की सब्जी कितनी अच्छी होती है गाइस आपको पता है, इसलिए हमने बैंगन गाजर आलू सब कुछ यहीं पर लगा लिया है। आपको मैं दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पर हमने प्याज भी लगा लेते ताकि हमें सब्जी बाहर से ना लेकर आनी पड़े, अंदर से ही हम यहाँ से जब भी हमें ज़रूरत हो तभी हम सब्जी तोड़ के आराम से सब्जी बना सकते हैं। ये देखो यहाँ पर हमारे पेड़ पौधे, खूब सारे पेड़ पौधे। हमारे पापा जी को एक्चुअली पेड़ पौधा का बहुत ही ज़्यादा शौक है, इसलिए पापा जी ने इतने पेड़ पौधे लगा दिए हमारे घर में। ये देखो उधर मैंगो का है, चीकू का है, सबके पेड़ लगा रखे हैं। यहाँ पर आता है हमारा बाड़ा जिसमें हमने अपनी बाइक खड़ी कर रखी है, एंड यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा रहता है, एंड बाकी के ट्रैक्टर के जो भी सामान है वो वहाँ यहीं पर रहते हैं। अभी पापा जी ट्रैक्टर लेके गए हुए हैं किसी काम से बाहर, एंड हमारे जो गाय वगैरह है वो हमारे पुराने घर में है, तो आपको कभी व्लॉग में दिखाया भी होगा मैंने अगर आपने व्लॉग देखा है। सो गाइज वीडियो कैसा लगा, वीडियो मेरा होम टूर का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को आगे से आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।